प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, लग जा गले के फिर हसी हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी मिठास, जिसका अंदाज़, जिसका जादू, एक ऐसी आवाज़ जिसने 60 सालों से सबके दिलों पर राज किया है और आज भी जवां दिलों की धड़कन है ये आवाज़, वो आवाज़ जिसने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। इस आवाज़ में दर्द की टीस भी है तो अमृत का मिठास भी, जिसने दुनिया भर के लोगों को कभी हंसाया तो कभी रुलाया, जिसे सुनकर कभी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आए तो कभी सरहदों के जवानों को हौसला मिला, वो आवाज़ है देश की आवाज़, वॉइस ऑफ इंडिया, यानी कि महान गायिका, म्यूजिकल लेजेंड, भारत रत्न, वन एंड ओनली लता मंगेशकर। लता दीदी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। थैंक यू। मैं हूँ मंजू मित्तल, द इंडियन डाउन अंडर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लता दीदी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो पेपर है ये 35 वर्ष पुराना है और बहुत से लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शताब्दी की सबसे महानतम गायिका, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से बात करने का हमें आज अवसर मिला है। तो लता दीदी सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले की गायकी और आजकल की गायकी में क्या फर्क है? मतलब पहले की गायकी का मतलब आप हमारी फिल्म म्यूजिक का पूछ रही हैं? जी हाँ, जो पहले जो गाने थे वो आजकल हमें सुनने नहीं मिलते हैं। उस वक्त गानों पे और गानों के जो बोल होते थे जी, जो कविता होती थी उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था जी हाँ, और गाने अलग अलग तरह के बनते थे। हर म्यूजिक डायरेक्टर कोशिश ये करते थे कि गाना अच्छा बने, और गाने में ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक का ही होता था बेस जी हाँ, और फिर गाना बनता था या फोक म्यूजिक होता था। तो ये अलग अलग तरह से गाने लोग बनाते थे और उसमें बहुत सारा मतलब गायक और गायिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण काम होता था जी बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गाने बनते थे, आजकल इतना देखा नहीं जाता है, खास तौर पे बोलों पे ध्यान नहीं होता है जी, इस तरह के बोल लिखे जा रहे हैं, काफी विचित्र तरह का मतलब लिखा हुआ होता है, और पिक्चर में गाने भी कम होते हैं जी। तो म्यूजिक का अब उतना ये नहीं रहा महत्व जितना पहले था जी बिल्कुल। सुना है आप गानों का चयन लता दीदी बहुत ध्यान से किया करती थी, उनके लिरिक्स को बहुत अहमियत देती थी, तो उस बारे में कुछ बताएं। इस बारे में मैं क्या करती थी? आप
गानों का चयन जो है, जब आप गानों को चुनती थी तो बहुत ध्यान से चुना करती थी, उनके लिरिक्स को बहुत अहमियत दिया बहुत करती थी। ध्यान से चुनना नहीं पड़ता था जी। एक्चुअली जो गाने हम लोग गाते थे वो पहले से ही बहुत अच्छे थे। हाँ, जिसमें फिर गाना ऐसा आता है जो मैं मुझे नहीं अच्छा लगता था जी, हाँ, मैं उनको ना करती थी। और फिर बाद में सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को भी ये मालूम हो गया था कि मैं ऐसे गाने नहीं गाती हूँ जिसमें बोल जरा अलग और कैबरे सॉन्ग वगैरह, वो मैं नहीं गाती थी। और उसी तरह और लोगों का भी होता था जी, बिल्कुल। सब आशा गाती थी, रफी साहब थे, किशोर कुमार थे, सबका एक अलग ढंग होता था। और म्यूजिक अलग तरह का आता था, इतना मैं आपसे कह सकती हूँ। आपने मधुबाला से लेकर आज की नई एक्ट्रेसेस को भी अपनी आवाज दी है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उस वक्त की जितनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस थी जी, उनके लिए मैंने काफी गाने गाए हैं। और मेरा ख्याल वो गानों को, मतलब जो हम गाते थे जी, हाँ, उसको वो न्याय देती थी और अच्छा एक्टिंग होता था उसपे, तो उनको भी इसका क्रेडिट जाता है जी। बिल्कुल, 1962 में आपने एक गीत गाया था, ये मेरे वतन के लोगों, जो वो एक ऐसा गीत है जिसे सुनकर हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, तो उस गीत को गाने का कैसा अनुभव था? देखिए, जब वो गाना बना था तो जी समझ में नहीं आता था कि ये वो इतना चलेगा। पर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि पूरा, मतलब भारत उस वक्त टेंस था, मुश्किल में था, और सब लोग बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, इसका अंत क्या होगा जी। बिल्कुल, ऐसे हालात में वो ये गाना जब मैंने गाया, हाँ जी, तो पंडित जी पे बहुत इसका असर हुआ, असर हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत भावुक हो गए थे, बने हुए थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है जी, और देश का क्या होगा, चिंता सबको थी। तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ जी। बिल्कुल, लता दीदी, आपके गाए हुए सारे गाने बहुत मधुर थे। मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या, जो आज भी सबसे रोमांटिक गाना है, बाहों में चले आओ, आपकी नजरों ने समझा, लग जा गले, क्या जानू सजन, पाकीज़ा, कभी कभी, इन सब गानों को बार बार सुनने का दिल करता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? ये कहना बहुत क्योंकि बहुत सारे अलग अलग गीत जी, बिल्कुल, जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ नौशाद साहब के हैं, कुछ सलील चौधरी के हैं, कुछ शंकर जयकिशन के हैं, कुछ गाने मेरे मदन मोहन जी के हैं, जयदेव जी के हैं जी। तो एक गाना कहना मतलब बहुत मुश्किल होता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो गाना चाहती है, जो गाना चाहती है, उनको एक तो मतलब फिल्म में अगर गाना है जी, पहले तो थोड़ा सा क्लासिकल उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल, क्लासिकल म्यूजिक जो सीखता है उसका काफी मतलब फायदा होता है फिल्म के गानों में, तो वो अगर थोड़ा सीखे तो अच्छा है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब फिल्मों में गाते हैं जी, हाँ, तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि किस तरह की कविता आई है सामने, वो बहुत जरूरी है जी, उसको समझा जाए, उसको अच्छी तरह से देखा जाए, और फिर गाना मतलब उसके मुताबिक कैसा गाना बना है और मुझे क्या गाना है वो देखा जाए, क्या है, किस तरह लोग सुनने वाले हैं, तो ये सब देख के
मेरे ख्याल से गाना चाहिए। और जी बिल्कुल, उनको कोई कहता है उनका गुरु कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं फिल्म के लिए, तो फिर इसमें नहीं जाना चाहिए। आपकी आवाज में आज भी वही जादू है लता दीदी, और मुझे तो लगता है आपके गले में वाकई सभी कहते हैं सरस्वती का वास है, आप हर सांस में एक सरगम छेड़ती हैं, तो क्या राज है? कोई राज नहीं। राज है, मेरे भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, वही मुझे काम आता है। जी बिल्कुल, उसी की वजह से आपको जो जादू लगती है, पर मैं बहुत जैसा सीधा साधा गाती हूँ जैसा आता है मुझे। गाने के अलावा आपको और क्या पसंद है, आप और क्या करते हैं? मुझे कुछ पढ़ना पसंद है, और पहले मैं फोटोग्राफी बहुत करती थी, मुझे पसंद था। अच्छा, हाँ हाँ। अब नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वो सिर्फ कलर फोटो होते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेना ज्यादा अच्छा लगता था। ब्लैक एंड व्हाइट की बात ही अलग होती थी। अभी नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, कभी कभार मतलब ऐसे, पर उस वक्त मैं सब कैमरे वैमरे खरीदती थी और उसके लेंस और ये वो सब, अब नहीं मतलब उतना मुझे उसमें नहीं रहा। यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में आपके इतने सारे फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और वो मुझे मेरा गाना पसंद करते हैं, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। बहुत बहुत प्यार से मैं उनको नमस्कार करती हूँ, और वहाँ है खुश रहें, सब कुछ करें, पर अपने भारत को नहीं भूले, बस अपना भारत और जो माता पिता ने सिखाया है जी, तो वो मतलब कभी ना भूले, यही मैं उनसे सिर्फ मांगती हूँ, उनको विनती करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लता दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आज आपसे बातें करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रिपोर्टर होना सार्थक हो गया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, रूबरू होकर आपके चरण स्पर्श करने का तो सौभाग्य पता नहीं मुझे कब मिलेगा, लेकिन हाँ आज आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया लता दीदी, थैंक यू सो मच। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो सवाल पूछे जी वो भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत शुक्रिया। मतलब वहाँ रह के आप इतना अच्छा हिंदी बोलती है, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। जी बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू लता दीदी, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।